बिना वेंकटेशम ननादो ननादेश्वराय सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हेलो माइकल। बिल्ला, क्या तुम वादे के मुताबिक मेरा सोना लेकर आए हो? बिल्ला कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरता। बिल्ला, ये सोना पैसे से नहीं ताकत से हासिल की जाती है, क्योंकि सोना चीज ही ऐसी है। अपना ब्रीफकेस नीचे डालो। ऐसे क्या देख रहा है, नीचे डालो, समझा? क्या अपने घर में बताकर आए हो? बकवास बंद करो, चुपचाप नीचे डालो, हिलना नहीं। यू वांट इट, टेक इट। पुलिस है इंटरपोल, उसका एक अधिकारी होने के नाते मुझे कई देशों में जाने का अवसर मिला, लेकिन भारत में पहली बार आ रहा हूं। यह जगह मेरे लिए नई है, लेकिन इस फाइल में जो नाम है वो मेरे लिए नए नहीं है। ये लोग विश्व स्तर के तस्कर हैं, सारी दुनिया में इनका जाल फैला हुआ है, इनके एजेंट सारी दुनिया में फैले हुए हैं, इंटरनेशनल स्मगलर हैं ये लोग। सोना, चांदी, हीरे, ड्रग्स और तमाम सारी चीजें पूरी दुनिया में स्मगल करते हैं ये लोग। कई देशों में पकड़े जाने के बावजूद सबूतों के अभाव में ये लोग पुलिस के हाथों से हमेशा बच जाते हैं। सूचना मिली है कि इस वक्त ये सारे लोग हमारे ही शहर को अपना निशाना बनाया हुआ है और यहीं पर अपना हेडक्वार्टर बनाकर यहीं ठहरे हुए और यहीं से अपना सारा काम कर रहे हैं। मिस्टर अलेक्जेंडर, इस फाइल को अपने पास अपने रेफरेंस के लिए रख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर गोकुलनाथ, उन सबके नाम मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाजी अब्दुल, फ्रैंको सबस्टेन, मोहम्मद सलीम हटेला, रणजीत सिंह बेदी और इन सब का गुरु गुनेगार, चालबाज, धोखेबाज तस्कर डेविड बिल्ला। Cheers, gentlemen. बिल्ला, तुमने इसे क्यों मारा? इसने क्या गलती की थी? हाँ? राजीव, बिना कारण के बिल्ला गोलियां नष्ट नहीं करता। सही है। बिल्ला ने इसे मारा होगा तो जरूर कोई कारण होगा। Am I right? You are right, baby. उसके जूते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शूज तुमको क्यों नहीं पसंद है? बिल्ला, तुम तो किसी के भी पीछे पड़ जाते हो। आखिर स्टॉप इट। राजेश, यस, उसके पांव का जूता उतारो, जरा उसकी हील घुमाओ। हाँ हाँ, घुमाओ। माय गॉड, ये तो पेपर्स। थैंक यू रंजीत। ये पुलिस का आदमी था, हमारे साथ रहकर हमारी जासूसी कर रहा था। बूट्स पहनो, लेकिन पहनाने वाले को मत कुचलो, समझे? ये हमारे दुश्मनों के लिए एक सबक होगा। उसका नंबर भी है। Make me another drink, will you?
मिस्टर अलेक्जेंडर? यस। वो हमारा आदमी था ये बात सिर्फ हम लोग जानते थे। यू आर राइट। फिर आखिर दुश्मनों ने इस बात का पता किस तरह लगा लिया? आपका सवाल ठीक है, लेकिन वो मुझसे पूछना ठीक नहीं है। अगर आपको हमारे आदमियों पर शक है तो वो भी ठीक नहीं है सर, बिकॉज आई नो माय मैन। इजी मिस्टर अलेक्जेंडर, इजी। इसका मतलब है कि उनका कोई आदमी हमारे डिपार्टमेंट में है। मिस्टर वर्मा, टाइम क्या हुआ? 3 o'clock। मिस्टर वर्मा, वेरी नाइस वॉच। थैंक यू सर। ऐसा ही वॉच मैंने जेनेवा में देखी थी, खरीदना चाहता था, नहीं खरीद सका, कॉस्टली थी, मेरी हैसियत से ज्यादा थी। सर, मेरे ब्रदर इनला ने मुझे इसे प्रेजेंट की थी। वेरी गुड, वेरी गुड। बाय मिस्टर अलेक्जेंडर। बाय मिस्टर वर्मा। ओके सर। कौन है? राधा। टीना, राधा आइए, दरवाजा खोलो। हेलो राधा। हाय। हाय रीना। हेलो राधा। ये बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई। अब तुम ही अपने भाई को समझाओ ना। क्यों भैया? कुछ नहीं राधा। फिर से शुरू हो गए तुम दोनों, कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते? कैसा फैसला राधा, तुम उन लोगों के बारे में नहीं जानती। अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो वो बिल्ला के बारे में तुम नहीं जानती। उसके बारे में मैं जानना भी नहीं चाहती। इससे पहले कि वो तुम्हारे बारे में जान जाए, तुम और रीना अमेरिका पहुंच चुके होगे। ये तुम दोनों के प्लेन के टिकट्स हैं। मैं तुमसे छोटी हूँ, लेकिन विश्वास रखती हूँ कि तुम मेरी बात मानोगी। कौन है? बिल्ला। टैक्सी, टैक्सी। ड्राइवर जल्दी एयरपोर्ट चलो। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी? थैंक यू। क्या देख रहे हो? क्या नाम बताया था तुमने? दीपा। दीपा, दीपा, मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद हैं। एक वो जिन्हें मैं समय लेकर अपने जाल में फंसाता हूँ, दूसरी वो जो समय दिए बिना मुझे अपने जाल में फंसा लेती हैं। मैं कौन सी हूँ? तुम दूसरी वाली हो। 4 घंटे पहले तक हम दोनों एक दूसरे से अनजान थे और अब एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर हैं। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? पर्सनालिटी, खूबसूरती, I love you। मैं आपको दिल से चाहती हूँ। ऐसे डायलॉग सुन सुन कर मैं बोर हो गया हूँ। मैं सच कह रही हूँ, कोई पता नहीं लगा सकता कि एक लड़की के दिल में क्या है। मैं कभी भी ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं किया करता, इसीलिए बिल्ला आज तक जिंदा है। Oh God, it's too late। Why हरी बिल्ला? एक और पेग। Some other time, baby। हेलो, DSP अलेक्जेंडर स्पीकिंग। मैं रीना बोल रही हूँ। हाँ, होटल अशोक में बिल्ला मेरे साथ ही है, जल्दी आइए। नो रीना, उसे जाने मत देना, हम फौरन आ रहे हैं, किसी तरह उसे रोक के रखो। ओके। आंटी, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, मैं होटल में ही हूँ, भाग तो नहीं गई, थोड़ी देर हो सकती है, चिंता मत करना। ओके आंटी, बाय। आंटी, वो देर हो गई ना, इसलिए। अगली बार अपनी आंटी को भी ले आना। मैंने तो तुमसे आंटी को बुलाने को कहा था, नीचे तो बहुत सारे अंकल खड़े हैं। कौन? बिल्ला, मैं DSP बोल रहा हूँ। अगर खुद को सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है।
रुक जाओ बिल्ला, उनके तुम्हें हथकड़ी पहनाने से पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बुलाते क्यों चली आई? अपने हुस्न से तुम्हें खेलने दिया किस लिए? ताकि मैं अपने प्रेमी राजेश के खून का बदला ले सकूं। कौन राजेश? वेरी स्मार्ट, लोगों को मारने वाले इंसान। तुम्हें कहां से याद रहेगा बिल्ला, जिस टैक्सी में राजेश का खून हुआ उसमें तुम्हारे हाथ की रेखाएं मिली हैं। तुम पुलिस से नहीं बच सकते। ओ, तो तुम राजेश की प्रेमिका हो? डीएसपी की आवाज अच्छी है, बहुत चिल्ला रहा है। कोई बिल्ला पर गोली मत चलाना, वो मुझे जिंदा चाहिए। कम बिल्ला, वो बिना गोलियों की बंदूक है। कोई बात नहीं, तुम भी कम अकलमंद नहीं हो। थैंक यू, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, जाओ। करने दो, सारी दुनिया की पुलिस न जाने कब से बिल्ला का इंतजार कर रही है और करती रहेगी। बट वन थिंग दीपा, बिल्ला को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसे दुनिया के किसी देश की पुलिस नहीं पकड़ सकती। बड़ी हिम्मत से बात कर रहे हो, क्या तुम बच पाओगे? जरूर बचूंगा। ये रिवॉल्वर खाली है ये तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, लेकिन पुलिस ये बात नहीं जानती। ये रीना के कपड़े हैं। आपको ये कहाँ मिले? हाईवे के पास एक मंदिर में उनके हाथ पर बंधे हुए थे। बॉडी के पोजीशन से ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी से धक्का दिया गया हो। कहते हैं रिश्ते स्वर्ग में तय होते हैं, सच लगता है। मेरे भैया और रीना का रिश्ता स्वर्ग में ही तय हुआ होगा। ये लीजिए डॉक्टर, पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार अस्पताल में ही कर दीजिएगा। चलती हूँ। मिस राधा, सुनो, अपने भाई की लाश तो नहीं देखी, कम से कम रीना की लाश तो देख लेती। जो चले गए उन्हें क्या देखना, जिन्होंने इन्हें भेजा है मैं उन्हें ही देखना चाहती हूँ। तुम जूडो और कराटे सीखने आई हो? हाँ, क्यों? ओके, लेकिन तुम सुंदर हो, जवान हो, अपनी नजरों से किसी को भी घायल कर सकती हो, फिर ये जूडो और कराटे किस लिए? मुझे किसी को सबक सिखाना है। ओहो, बदला लेने के लिए ये ट्रेनिंग? हिरनी शेर बनना चाहती है, क्या ये ठीक रहेगा? एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, ये गोरा गोरा बदन, नाजुक सा बदन प्यार करने के लिए बना है। वेरी गुड, तुम्हारे इरादों की तरह तुम्हारे हाथ भी सख्त हैं। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है। तुम्हारे पास आग है, और जिनके पास आग होती है वो किसी को भी जला के राख कर देते हैं। आज से तुम मेरी शागिर्द और मैं तुम्हारा गुरु। तो आप मुझे सिखाएंगे ना? जरूर सिखाऊंगा, आज से तुम मेरी स्टूडेंट हो। थैंक यू। ये है आज का पहला सबक, अपना हाथ किसी के भी हाथ में बेफिक्र होकर नहीं देना चाहिए। ओके, थैंक यू। यस मैडम, कॉफी। मिस राधा, तुम्हें अरेस्ट करने वारंट के साथ आया हूँ। मेरा वारंट? हाँ, अब पुलिस को बेवकूफ नहीं बना सकती मैडम। बेवकूफ बनाने वाली पब्लिक होटल में आकर नहीं बैठ सकती इंस्पेक्टर।
मेरा गुनाह क्या है? तुमने खून किया है। क्या खून? मिस राधा, पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम जानती नहीं हो। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आगे मत बढ़ो, मेरी बात सुनो। सामने पुलिस है, चुप जाओ। मिस्टर रंजीत, इस चिड़िया का हमारे यहाँ क्या काम? इससे हमें क्या फायदा? नो, इसने पब्लिक के सामने दो इंस्पेक्टरों का खून कर दिया, और क्या चाहिए तुम लोगों को? विक्रम, I tell you something, you know, she's great. Exactly. कभी कभी तो बिल्ली भी शेर बनके दहाड़ मारती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? Just a moment. क्या कहा? इसका नाम है सुपू हेड्स। एग्जैक्टली। उठ जाएगा या उठाना पड़ेगा? गुड, वेरी गुड। रंजीत, जो हुआ मैंने सब कुछ देखा। इन चूड़ियां पहनने वाले हाथों में बहुत ताकत है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिल्ला को सिंपल लड़कियों से खूंखार लड़कियां ज्यादा पसंद है। कीपर, आज से हमारे गैंग की तुम भी एक मेंबर हो। थैंक यू बिल्ला। अच्छा नाटक किया। ए लीजिए, गिन लीजिए। गिनने की क्या जरूरत, ठीक ही होंगे। ओके, अच्छी तरह याद रखिएगा, इस नाटक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चला तो नकली गोलियों की जगह असली गोलियां होंगी, समझे आप? जाइए यहाँ से। सच कहता हूँ, हमारे कारण आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम गुंडे हैं लेकिन ईमानदार हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। हम चलते हैं। राधा चलो। राधा, तुम दूसरी परीक्षा में भी पास हो गई। सच कहता हूँ, तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगी। बेस्ट ऑफ लक। गुड। बिना सोचे समझे अपना हाथ नहीं देना चाहिए। सॉरी, ये आप ही ने सिखाया था ना? वाह, गुरु से ज्यादा शिष्य तेज हो गई है। एस किंग क्वीन। बिल्ला, समय निकलता जा रहा है और अभी तक हमारे एजेंट का फोन भी नहीं आया। इंतजार करो, आएगा। तो मैं हमेशा मजाक सोचता हूँ। रंजीत स्पीकिंग। मैं दास बोल रहा हूँ। सिल्वर बीच पे 11:30 बजे ठीक बिल्ला को आने के लिए कहो। ठीक 11:30 बजे। ओके, ठीक समय पर बिल्ला वहां होगा। ये डायरी कैसी है? शायद पुराने हिसाब की है। नहीं, हमारा हिसाब है इसमें। इस डायरी में दुनिया के सारे स्मगलरों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर सब इसमें हैं। हमारे पास से रुपए जा सकते हैं लेकिन ये डायरी कभी नहीं। सच कहूँ तो इसमें हम सब लोगों की जान अटकी हुई है। ऐसे Thank you.
हेलो एवरीबॉडी, हमारी ये मुलाकात अनचाही है मिस्टर डीएसपी। एनफ बिल्ला, आज तुम नहीं बच सकते। अगर आज तुमने भागने की कोशिश की तो मारा जाऊंगा। यही कहना चाहते हैं ना डीएसपी सर? इसमें बहुत पैसे हैं, अगर आप अभी मुझे यहाँ से जाने देंगे तो इसमें रखे लाखों रुपए आपके हो जाएंगे। शट अप, चुपचाप यहाँ चले आओ। एक्सक्यूज मी, आपने सूटकेस देखा? इसके अंदर का पैसा नहीं। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी आप इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, सोच लीजिए। फैसला आपके हाथ में है। टेक इट। तुम उतर जाके देखो। साइमन, जंबो, गो एंड सर्च दैट साइड। सर, ब्रिज के उस तरफ जाल बिछा दिया गया है, अब हमसे बचकर यहां से कहीं नहीं जा सकता। वेरी गुड मिस्टर वर्मा, मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूं, एक जरूरी काम है। यस सर। वर्मा। यस सर। किसी भी हाल में बिल्ला बच के नहीं जाना चाहिए। यस सर। क्या सोच रहे हैं डीएसपी साहब? बिल्ला गाड़ी चलाते रहिए। तुम गलती कर रहे हो। मौत को धोखा देना अच्छी तरह आता है बिल्ला को डीएसपी। बिल्ला ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, उसे दुनिया में कोई भी नहीं पकड़ सकता। अंडरस्टैंड? कार को सीधा चलाते रहिए। बिल्ला तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम बुरी तरह से जख्मी हो। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। शट अप, मैं अपनी जान की भीख नहीं मांग रहा। गाड़ी चलाते रहिए। इस हालत में आई से शट अप, चुपचाप गाड़ी चलाइए। डीएसपी,
तुम्हारे सिर पर निशाना लगा हुआ है। कोई चलाके के तो भेजा उड़ा दूंगा, समझ गए ना? फादर, ये राज की बात आप तक ही रहनी चाहिए। ये राज मुस्तक ही रहेगा, अच्छा था या बुरा, वो जैसा भी था परलोक में बिल्ला का भी स्थान है। गोली लगने के बाद भी बिल्ला आपकी पकड़ में क्यों नहीं आया? क्या ये पुलिस की लापरवाही है? उसे छोड़कर आप कैसे आ गए सर? वो एक नंबर का बदमाश है, वहीं कहीं छुपा होगा। वो ना तो गायब हुआ और ना नदी में गिरकर मरा है, मैंने खुद उसे तैर के जाते हुए देखा है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? रोक नहीं पाया, लेकिन मेरे हाथों से वो बच के जाएगा नहीं। एक ना एक दिन तो मैं उसको पकड़ के ही रहूंगा। मेरे हाथ से कोई मुजरिम नहीं बचा है। गुड डे जेंटलमैन। थैंक यू। राधा, आज की खबर पढ़ी तुमने? पढ़ी। पुलिस का कहना है कि बिल्ला को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस डीएसपी का कहना है कि उन्होंने खुद उसे भागते हुए देखा है। वो न तो पुलिस की गोली से मरना चाहिए और ना ही नदी में डूब कर मरना चाहिए। उसे तो बस बिल्ला थोड़े दिन तक और जिंदा रहता तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाता। उससे इतनी नफरत तुम क्यों करती हो? मिस्टर विजय, 6 महीने पहले एक आदमी मेरे पास 2 बच्चों के साथ आया था। उसे देख के वो लाचार लग रहा था, कह रहा था कि उन बच्चों की माँ मर गई है और उनके बाप का भी कहीं पता नहीं है। हाँ, मैंने उनको आपके पास कंप्लेंट लिखने के लिए भेजा था। हाँ सर, याद आया मुझे वो फाइल। एग्जैक्टली, वो कंप्लेंट लेकर आप मेरे पास आइए। ओके, आप जा सकते हैं। चिल्लर के बीच एक नोट भी है रे मामा। अरे चलेगा रे, ऐसे क्या देख रहा है? इस शहर में गाय को भी बछड़े का गुड्डा दिखाकर बेवकूफ बनाया जाता है। ये लोग क्या ऐसे रुपए डालेंगे? तो मैं जाऊं? जाओ, तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा है? जाओ। ऑटो के पैसे? अरे तू तो बड़ी लता मंगेशकर है ना, मुंह खुलते ही जैसे पैसे की बरसात होती है। अच्छा, जैसे कि तुम किशोर कुमार हो, मुंह खुलते ही लोगों के बटुए खुल जाते हैं। अरे क्या बात करती है, हमारे गांव में जाकर पूछो। ये राजा अगर एक सुर भी नीचे का पकड़ लेना तो फिर बताना। सब छत पर चढ़ जाते हैं इस पट्टम्मा के बिना। अपना संगीत सुना के तो बता लोगों को, मान जाऊंगी तुझे। अच्छा तो ये बात है, सुनाता हूँ संगीत। हाँ, बहुत बहस करती है। ये ले अपने पैसे और भाग यहाँ से, देखता हूँ मुझे संगीत सिखाती है। चिल्ला, अरे चिल्ला, तुझे पता नहीं है, मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, समझा? तब तुझे पता चलेगा। अरे चल रे सुखा, देखते हैं कि ये सब क्या उखाड़ते हैं। चल चलो। हाँ फूट, समझती क्या है, दुनिया में कोई बजाने वाला नहीं मिलेगा। जा रे। ए देख तो जरा कितने पैसे बचे हैं, इतने में चाय मिलेगी या खाना? सिर्फ 5 रुपए है मामा। 5 घंटे चिल्लाने के बाद 5 रुपए? आथू, फिक्र मत कीजिए मामा, इन 5 रुपयों के अलावा घर में 20 रुपए भी हैं। खाना भी खा लेंगे और घर का किराया भी दे देंगे। अरे देखो ना बेटा, इस उम्र में पढ़ने लिखने की बजाय तुम्हें सड़कों पर गाना बजाना करके पैसा कमाना पड़ रहा है, बड़ी बुरी बात है। किसी दिन वो क्या है ना, तुम्हारे दाढ़ी? दाढ़ी नहीं मामा, डैडी। हाँ वही वही डैडी, तुम्हें सड़क पर देखकर वो दुखी हो जाएंगे, बल्कि ये सोचकर उन्हें खुश होना चाहिए कि इस मुंह बोले मामा ने उन्हें पढ़ाया। जब वो यहाँ आए तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। मामा, पिताजी आपको देखेंगे तो जरूर खुश होंगे। जरूर होंगे, होना ही पड़ेगा। गुलाब सड़क पर पड़ा हो तो लोग उसे कुचलकर आगे चले जाते हैं, लेकिन मैंने उठाया। मैं पहले अकेला था, अब परिवार वाला हो गया हूं। वो सब तो ठीक है,
लेकिन बिरला मर गया है ये मुझे क्यों बता रहे हैं? अरे आप तो इतने बड़े अधिकारी हैं, वो मर गया है ये बात आप सबको क्यों नहीं बता देते? राजा, इसी के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे? ये क्या मुसीबत है यार, मरने वाले के बारे में मुझसे बोलकर क्या फायदा? मेरा उसके साथ क्या रिश्ता था, मेरा दोस्त था या संबंधी था? राजा, संबंध तो नहीं है, लेकिन तुम दोनों में एक बहुत बड़ी समानता है। ये देखो उसकी फोटो। ये बिल्ला है, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? ये बिल्ला नहीं, मैं नहीं, ये बिल्ला है। मतलब इसके बदले मुझे एग्जैक्टली तुम्हें बिल्ला बनना होगा। क्या दूर की कौड़ी लाए हैं? नहीं, मुझे बख्श दीजिए। अभी तो आपने कहा था ना कि वो बहुत ही खूंखार आदमी था। राव जी, और मैं आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। उसके आदमी 2 मिनट में पता कर लेंगे कि मैं बिल्ला नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। क्या पुलिस को मारना? राजा, बिल्ला मर चुका है, ये राज हमारे सिवा कोई नहीं जानता। उसी तरह तुम बिल्ला का रूप बनाने वाले हो, किसी को पता नहीं चलेगा। पुलिस और बिल्ला के आदमी दोनों तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। यही तो असली खतरा है। पुलिस ने बिल्ला समझ के पकड़ लिया तो मेरी तो खाल उधेड़ देगी। वो मैं देख लूंगा ना। क्या खाल उधेड़ते हुए? राजा, मेरी एक बात सुनो, पुलिस अगर तुम्हारी मदद से बिल्ला के गैंग को पकड़ लेती है तो? पकड़ लिया तो मैं सबको बता दूंगा ना कि तुम बिल्ला नहीं राजा हो, मेरे कहने पे बिल्ला बने थे, बस। तो फिर क्या होगा? आप तो अंदर होंगे और मैं बाहर हूँ। साहब जी, मैं मर भी सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मुझे माफ कीजिए। मैं जाता हूँ। राजा, तुम समझते क्यों नहीं हो? इतने अच्छे काम के लिए तुम डर रहे हो? साहब जी, वो क्या है ना कि डर का मतलब मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला है। यही बात अगर आपने मुझसे कुछ दिन पहले कही होती तो मैं मान भी गया होता, क्योंकि तब मैं अकेला था। लेकिन साहब जी, अब मैं अकेला नहीं हूं। आओ, अंदर आओ। वो देखो, मैं हूं इस विश्वास पर कितने आराम से सो रहे हैं। क्या इनका विश्वास खत्म करना है? इन बच्चों का चैन बर्बाद करना चाहते हैं? अगर किसी को पता चल गया कि मैं बिल्ला नहीं हूं बल्कि कोई बहरूपिया हूं, तो सब खत्म हो जाएगा। तब इनकी देखभाल कौन करेगा? भाषण देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर खाना देने वाला कोई नहीं मिलेगा साहब। राजा, तुम इन अनाथ बच्चों से कितना प्यार करते हो? क्यों नहीं करूंगा, गरीब ही तो गरीब का दुख समझता है। मैं भी तो अनाथ हूं ना, और फिर वो भी तो मुझ पर जान छिड़कते हैं ना। राजा, तुम इन अनाथ बच्चों से इतना प्यार करते हो तो फिर इन्हें कैसे पालोगे? सड़क पर नाच गाकर या फिर भीख मांगकर उनकी जान जरूरी है या उनका भविष्य? जरा उनके भविष्य के बारे में तो सोचो। कल को वो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं। तुमने उनके बारे में कुछ किया है? What will do for that? हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं साहब, इन्हें कैसे पढ़ाऊं मैं, कहां से पैसे लाऊं? तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा, हॉस्टल में भर्ती कराऊंगा, तुम्हारे सपने पूरे करूंगा, बस तुम मेरी बात मान लो। मैं वादा करता हूं मुझे बिल्ला बनना पड़ेगा, यही ना? राजा, मेरे दिल में भी प्यार और ममता है। बिल्ला और उसके आदमी लोगों को मारकर गैर कानूनी काम करके जीते हैं। ऐसे लोगों को पकड़वाने में क्या तुम कानून की मदद नहीं कर सकते हो? इन बच्चों के लिए तो तुम हो, लेकिन उनके द्वारा अनाथ किए गए बच्चों का कौन है? कौन है मुझे बताओ, कौन है? मुझे माफ कीजिए साहब, मैं पागल हो गया था कि आपकी बात नहीं समझ पाया। साहब, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। थैंक यू राजा, थैंक यू। राजा, मेरा मकसद कामयाब होगा, मुझे विश्वास हो गया है। तुम्हारा लक्ष्य मैं पूरा करूंगा, मैं इन बच्चों का अच्छा भविष्य बनाऊंगा और इनके पिता का पता भी लगाऊंगा। मेरे भाई, तुम्हें रिहा होने में सिर्फ 1 महीने और बचे हैं, तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। तुम क्यों दुखी होते हो? तुम इतने अच्छे आदमी हो, फिर तुम जेल में कैसे आ गए? तुम अपनी बीती कहानी मुझको सुनाओगे तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। पहले मैं चोरी किया करता था, चोरी छोड़कर शरीफों का जीवन जीना चाहता था, इसलिए मैं अपने पुराने काम सर्कस में वापस चला गया।
हेलो जेजे। हेलो। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स रंजीत, मैं दूसरे रास्ते पर जा रहा हूँ। जेजे इसलिए कार में जाने वाला आज पैदल जा रहा है। दैट्स ऑल राइट जेजे, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन पुरानी दोस्ती के लिए कुछ दूर मेरे साथ चल सकते हो ना। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ ना। जेजे तुम मेरा काम करोगे? काम क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो। रतनलाल मिल्स की तनख्वाह का पैसा 1 तारीख को बैंक से ऑफिस में उसी पुल से होकर मजदूरों के लिए एक वैन में वो लोग लेकर जाते हैं। हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, मैं तुम्हें उस चलती हुई वैन में किसी तरह पहुंचा दूंगा। इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना, तुम्हारे पास तो और भी आदमी है। जेजे उस वैन में एक सेफ है, उस सेफ में सारा पैसा है, तुम्हारे सिवा उस सेफ को कोई नहीं खोल सकता है, इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ड्राइवर गाड़ी रोको। जेजे तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। इडियट जैसी बात मत करो, इस सर्कस से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, समझे? नो चांस। रंजीत मेहनत करना ही काम है, चोरी करना काम नहीं। डैडी, डैडी। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मम्मी को विजया हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अस्पताल लेकर गए हैं? हाँ डैडी, मम्मी छत से नीचे गिर गई, पड़ोस की आंटी ने फोन करके उन्हें अस्पताल ले गई। हमें मम्मी की याद आ रही है, मम्मी। रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं अस्पताल जाकर मम्मी को लेकर आता हूँ, ठीक है? रोना मत, पकड़ो। मिस्टर जगन्नाथ आपकी पत्नी की हालत नाजुक है, उसका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए बाहर से स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। देखो जगन्नाथ, इस ऑपरेशन के लिए बहुत खर्चा होगा, क्या आप? डॉक्टर खर्चे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसा लेकर आता हूँ। डॉक्टर पैसे की बात बाद में करेंगे, पहले ये देखना है कि तुम यहाँ काम पर रहते हो या नहीं। आप क्या कह रहे हैं सर, लेकिन मेरी नौकरी का क्या हुआ? ज्यादा सवाल मत पूछो, मैंने तुम्हें डिसमिस कर दिया है, तुम जा सकते हो यहाँ से। बिना कारण के क्यों डिसमिस कर रहे हैं आप मुझे? कारण बताने की मैं जरूरत नहीं समझता, यू मे गो। रास्कल, जी तो करता है कि मैं तेरा क्या दबा दूं, लेकिन पत्नी के बारे में सोचकर मैं। रतनलाल मिल्स की वैन इसी रास्ते से जाती है, ये है एविल क्रॉस, यहाँ से ही तुम वैन के अंदर जाओगे। लेकिन ये बताओ वैन के अंदर मैं कैसे जाऊंगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने वैन के मैकेनिक से कहकर सारा इंतजाम कर लिया है। तुम इसकी फिक्र मत करो, उसमें एक ऐसा स्क्रू लगाएंगे, उस स्क्रू के जरिए वो सारा गेट खुल जाएगा और तुम अंदर चले जाओगे।
से पहचाना जजे, तुम्हारा सिगरेट केस वैन में ही छोड़ दिया था। इसे सर्च करो। गुड। डीएसपी सर, मैंने गलती की है, मुझे सजा जरूर दीजिए, लेकिन उससे पहले जिंदगी से लड़ रही मेरी पत्नी को यह पैसा देने दीजिए सर, नहीं तो वो मर जाएगी। प्लीज सर। सॉरी जजे, ये चोरी का पैसा है। डीएसपी सर, मुझे कैद कीजिए, जेल में डालिए। डीएसपी सर, कोई भी सजा दीजिए मुझे, लेकिन प्लीज ये पैसा दे दीजिए। सॉरी जेजे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ले जाओ इसे। जेजे, जेजे, डोंट मूव, रुक जाओ जेजे, आई विल शूट यू। जेजे, जेजे, डोंट मूव, रुक जाओ, जेजे, मैं गोली मार दूंगा। ये ठीक नहीं किया डीएसपी। डीएसपी की उस गोली के कारण आकाश में आसानी से रस्सी पर चलने वाला आज जमीन पर भी ठीक से नहीं चल सकता। ये चेचे, मेरी पत्नी अस्पताल में मर गई, मेरे बच्चे पता नहीं कहां गायब हो गए, मुझे पता नहीं है वो जिंदा भी है या मर गए। मैं बर्बाद हो गया, एक सेकंड में मेरी जिंदगी से सब कुछ छिन गया, फिर भी आज मैं जी रहा हूं किस तरह से ये मैं ही जानता हूं। और इन सब का कारण है वो हरामजादा मनहूस डीएसपी। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे बदला लूंगा, मैं उससे बदला लूंगा। आ जाओ बच्चों। मामा। अरे वाह 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 वाह, राजकुमार राजकुमारी लग रहे हो तुम दोनों। हाँ। ड्रेस कैसी है मामा? हाँ, बहुत बढ़िया ड्रेस है तुम्हारी। अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, जब मैंने तुम्हें बहुत दूर से देखा तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे राजकुमार और राजकुमारी आ रहे हैं। तुम लोग खूब मन लगा के पढ़ना। रवि तुम इंजीनियर बनना, रमा तुम डॉक्टर बनना, मुझे विश्वास है कि तुम बन जाओगे। साहब, आपने अपना वादा पूरा किया, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। कहिए क्या करना है मुझे? तुम तो तैयार हो, लेकिन पहले मुझे तुम्हें अच्छी तरह तैयार करना होगा, तुम्हारे हाव भाव, बोल चाल, कपड़े पहनने का तरीका। ध्यान से देखो, बिल्ला की चाल, खड़े होने का तरीका, पाइप पीने का स्टाइल, अच्छी तरह से देख लो। सब ध्यान से देख लिया ना? बस इतना ही? अरे उसके खाने पीने का तरीका तो आपने दिखाया ही नहीं, वो कैसे कैसे खाता था, क्या करता था, वो बताना चाहिए ना? हाँ, उसका स्टाइल तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बातचीत करने का तरीका वो दिखाइए। उसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन बिल्ला के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें घायल होने के बाद बिल्ला की याददाश्त चली गई है, ऐसी एक्टिंग करते हुए तुम्हें उस गैंग में शामिल होना है, मतलब तुम उस गैंग में ऐसे ही शामिल होगे। ओके। हाँ मैं समझ गया, अब आप जरा आगे बताइए, बोलिए। बिल्कुल याददाश्त गए हुए बिल्ला की तरह तुम्हें वहां रहकर बिल्ला के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेना और उसे अपने अंदर पूरी तरह ढाल लेना। समझ गए ना मेरी बात? क्या बार बार टीचर की तरह समझ गए लगा रखा है, मैं क्या पागल हूँ या ऊपर का माला खाली है? साहब जी, आप जानते नहीं हरीश चंद्र का नाटक पूरा का पूरा एक दिन में याद किया था इस राजा ने।
आज से तुम पान नहीं खाओगे। क्या कहा, पान नहीं खाऊंगा? बिल्ला पान बीड़ी तंबाकू कुछ नहीं खाता था। ये बात है, इसका मतलब है कि बिल्ला को कोई भी अच्छी आदत नहीं थी। ठीक है, मैं भी आज से छोड़ देता हूँ। नो नो नो, बिल्ला बीड़ी भी नहीं पीता था। बीड़ी भी नहीं पीता था? नहीं पीता था, वो पाइप पीता था। पाइप? पाइप, वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अच्छा, कम विद मी। कैसा है? ये भी अच्छा लग रहा है। राजा, बिल्ला मर्द था। तो क्या मैं मर्द नहीं हूँ? पहले मटकना तो बंद करो। अच्छा तो साहब, लेकिन मैं उस ग्रोह में शामिल कैसे होऊंगा? गुड। शामिल होने का रास्ता मैं बताता हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ कि बिल्ला कहाँ छुपा हुआ है। बिल्ला? हेलो, कौन बोल रहे हो? अपना नाम बताइए। मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, बिल्ला कहाँ पर छिपकर बैठा है ये सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ बताइए। हाँ बताइए। राइट, चलिए। एक्सक्यूज मी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। यस मिस्टर गोकुलनाथ, बिल्ला का पता चल गया है। रियली? यस सर, किसी ने अपना नाम नहीं बताया लेकिन बिल्ला का ठिकाना बता दिया। तो फिर चलो फौरन चलते हैं। हाँ चलो। यस मिस्टर वर्मा। सर वर्मा। यस सर। छी 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 छी, व्हाट अ ट्रेजेडी। क्या होगा हमारे बिल्ला का? अस्पताल से पता चला है कि सदमे में बिल्ला की याददाश्त चली गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्ला की याददाश्त जाने का मतलब क्या हुआ। कोई कुछ भी कहे, हमें बिल्ला को पुलिस के चंगुल से छुड़ाना होगा। अस्पताल में बहुत कड़ी सुरक्षा है, उसे बचाना है तो जब पुलिस वाले उसे जेल में शिफ्ट कर रहे होंगे तो हम तभी उसे बचा सकते हैं। रुको, शरीर बढ़ाते हो पर शरीर के साथ अकल नहीं बढ़ाते हो। घायल शेर के लिए इतनी सुरक्षा है तो जागे हुए शेर के लिए कितनी सुरक्षा होगी, इसका अंदाजा है? जेल ले जाते समय इंच भर इंच पुलिस होगी, सो अस्पताल से ही बिल्ला को निकालना सही होगा। आज पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक करना है। हम अंदर जाएं? यस यू कैन गो। थैंक यू। जाइए। यस बोलो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? हेलो, कुछ नहीं, आप बस 5 मिनट के लिए बाहर बैठिए। व्हाट? मैं बाहर जाऊं? मेरी ड्यूटी? मेरी ड्यूटी है पेशेंट को साफ करना, हाथ देखकर, ओ सॉरी, नाड़ी देखकर, प्लीज। ओके ओके, जल्दी काम खत्म करो। थैंक यू। मैडम क्या हुआ, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए।
दरवाजा खोलिए, बोलिए क्या हुआ? My God, वो कहाँ गया? इंस्पेक्टर साहब वो भाग गया वहां से। सुनो, बिल्ला भाग गया। इंस्पेक्टर, गाड़ी को क्यों रोका? सॉरी फॉर स्टॉपिंग यू। यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी को चेक करके भेजने का ऑर्डर है हमें। गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं, एक डेड बॉडी है। इंस्पेक्टर चेक करो। थैंक यू, आई एम सॉरी। हवलदार दरवाजा खोलो, गाड़ी जाने दो। मिस्टर वर्मा, अस्पताल में आपने ठीक से सुरक्षा नहीं रखी। सर, जब सारी तैयारी हमारे सीनियर देख रहे थे तो हम उसमें दखल कैसे दे सकते थे? मैं जूनियर पुलिस वाला हूँ। यू आर राइट। पता नहीं क्यों इस मामले में डीएसपी ने अपनी चुस्ती नहीं दिखलाई है। कुछ भी हो सर, बिल्ला की याददाश्त जा चुकी है। अब वो न पुलिस को तंग कर सकता है और न अपने गैंग के काम आ सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते। डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि अगर बिल्ला को हादसा होने से पहले पुरानी घटनाओं को याद दिलाया जाए या उन जगहों पर ले जाया जाए जहां वो आता जाता रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पुरानी चीजों को देखकर उसकी याददाश्त वापस आ जाए। आई सी। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? याद करो, याद करने की कोशिश करो। ताश खेलने में तुम किंग थे, हमेशा तुम ही जीतते थे। उस दिन भी जाते समय मुझे ये 3 पत्ते दिखाकर गए थे, याद आया कुछ? तब दास ने तुम्हें फोन किया, याद करो, अपना दास। दास, याद करने की कोशिश करो बिल्ला, ट्राई, प्लीज ट्राई। राजेश हमारी गैंग को छोड़कर न चला जाए यही सोचकर उसे तुमने मार दिया था, याद आया? इस डायरी को तुम पहचानने की कोशिश करो बिल्ला। ये अपने ग्रुप की महत्वपूर्ण डायरी है जिसमें एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। मैंने ये सब तुम्हें बताया था, उसके बाद तुमने इस डायरी को सेफ में रख दिया। राधा, उसे कुछ याद आया? अभी कुछ कुछ पुरानी बातें बता रहे हैं, लेकिन अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन पहले से बेहतर है। तो फिर उससे बदला क्यों नहीं ले लेती हो राधा? जो खुद को नहीं जानता हो उसे क्या मारना? जब मैं उसे मारूंगी तब
उसे ये मालूम होना चाहिए कि ये सजा मैं उसको अपने भाई की मौत के लिए दे रही हूँ, तब मेरा बदला पूरा होगा। अब मुझे बिल्ला के बारे में सब कुछ पता चल गया है सर। मुझे बोल देना चाहिए कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। अच्छा है, आई एग्री कि तुम्हें बिल्ला के बारे में पता लग गया है, लेकिन कोई भी कदम होशियारी से उठाना। मैंने सब कुछ सोच लिया है सर। बिल्ला के जीवन में एक हादसा हुआ था जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई थी, और अब अगर दोबारा ऐसा हादसा हो जाए तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। अरे वाह, काफी समझदार हो गए हो। मैंने उस हादसे का प्लान कर लिया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जाते समय तुम अपनी कार बैंड्रा पेट्रोल पंप के पास रोक देना। सर, टैंक को फुल कर दो। ठीक है। एक्सक्यूज मी, कार स्टार्ट करो। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते हो बिल्ला, चुपचाप चल के जीप में बैठ जाओ। आगे से गाड़ी को मोड़ लेना। जरा इस जगह पर रोकना। तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है। उस दिन भी इसी तरह पुलिस ने मेरा पीछा किया था। उस दिन भी पुलिस ने मुझ पर गोली चलाई थी। मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया मुझे साथियों, मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। सच बिल्ला, तुम्हें सब याद आ गया बिल्ला? हाँ सब याद आ गया। तुम रूपा हो, राधा, रंजीत, सुंदर, कन्नन और विक्रम, माइकल, कुमार, अशोक, कमल, आई एम सॉरी निर्मल। भाइयों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। आई एम ऑल राइट, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। बिल्ला, तुम जानते हो हमारे काम में दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों को जानना जरूरी है। इस तस्वीर को देखो और पहचानो कौन है ये। बिल्ला अपने गद्दारों को कभी भी नहीं भूलता है। ये राजेश है जो मेरी बंदूक का निशाना बना था। Am I right? Thank you.
वो अकेला आया है, मैं भी अकेला जाऊंगा, तुम यहीं रहना। Don't move. तुम्हारा बिजनेस खत्म हुआ, अब मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा बिल्ला। राधा। राधा, ये कैसा मजाक है? अब भी वही हिम्मत बाकी है तुम में, वही देखना चाह रही थी मैं। अच्छा टेस्ट था तुम्हारा, तो क्या मैं टेस्ट में पास हो गया? पास 100%, तुम बहुत बहादुर हो। वो तो हूँ, लेकिन एक मिनट के लिए मैं घबरा गया था। अब बैठो। ये क्या, ये तो गोलियां हैं। बिल्ला की हिफाजत के लिए राधा गई है ना, उसकी पिस्तौल से मैंने सारी की सारी गोलियां निकाल दी हैं। अब तुम देखना वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इससे तुमने बिल्ला की जान खतरे में डाल दी रूपा। खतरे में नहीं, हमारा बिल्ला अकेला एक साथ 50 लोगों को संभाल सकता है, लेकिन राधा अगर फंस गई तो देखना तुम, उसका चैप्टर क्लोज। हाय। बिल्ला, कैश। यस। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। हेलो, अलेक्जेंडर हियर। हेलो डीएसपी सर। हेलो, मैं राजा बोल रहा हूँ। दुश्मनों का एक अहम सबूत मिला है सर, वो डायरी जिसमें सबके नाम और पते लिखे हुए हैं। हाँ, मैंने असली को उठाकर उसकी जगह डुप्लीकेट डायरी रख दी है वहाँ पर। गुड, वेरी गुड। राजा, मैं जानता हूँ उस गैंग में नंबर वन रंजीत नहीं है, कोई और ही मेन स्विच है, और वहाँ के सब लोग उसके इशारे पर नाचते हैं। बी केयरफुल, शायद उस डायरी से हमें उस मेन स्विच वाले का पता लग जाए। एनी हाउ, तुम्हारी डायरी निकालने वाली बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, ओके? यस सर, मैंने उस जगह पर नकली डायरी रख दी है और असली डायरी मैंने अपने कब्जे में कर ली है। कल सुबह आपको दे दूंगा। कैसी बात कर रहे हो, वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। बी केयरफुल। ओह, ये तुम्हारा प्लान है, वेरी गुड। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। All the best, okay? बिल्ला, अगले महीने हमारे अंडरवर्ल्ड के साथी दुनिया भर से यहां आ रहे हैं। एक जश्न का माहौल होगा और वो तुमसे मिल भी लेंगे और तुमको जान भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज रात को अपने एक बहुत पुराने दुश्मन से आखिरी बार मिलूंगा। तुम्हारे तो बहुत सारे दुश्मन हैं, किससे मिलोगे तुम? डीएसपी अलेक्जेंडर, ड्यूटी छोड़कर उसने मुझे पकड़ना अपनी ड्यूटी बना रखी है। उसे नींद बहुत आती है, सोचता हूँ कि आज की रात उसे हमेशा के लिए सुला दूं। तुम साहब के बिल में हाथ डाल रहे हो, लक्ष्मी मेंसेंस के 8वीं मंजिल पर रहने वाला डीएसपी को तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते।
और वहां पर पुलिस गार्ड होंगे। और तुम मेरी बात सुनो, डीएसपी तक पहुंचना असंभव है। सीढ़ियों से गया तो खतरा है रंजीत, पाइप से चढ़कर जाऊंगा और उसी से उतर आऊंगा। बिल्ला तुम जान जोखिम में डाल रहे हो। अगर मैंने खतरा नहीं उठाया तो एक दिन वो हमें खत्म करके ही दम लेगा। रेस के घोड़े को दौड़ने देना चाहिए रंजीत, वो विनिंग पोस्ट में फर्स्ट आएगा। आज रात बिल्ला के लिए शुभ होगी। राधा, तुम वहां क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार, तुम्हें खत्म करने के लिए। नहीं राधा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? राधा, जिस दिन मेरे भाई राजेश को तुमने मारा उसी दिन पागल हो गई। राजेश तुम्हारा भाई था? मेरे भाई को मारकर मुझे अनाथ कर दिया। उस दिन राधा ने पिस्तौल उठाई और चाकू हाथ में लिया। तुम्हें इसका कारण पता होना चाहिए। राधा मेरी बात सुनो, मैंने राजेश को नहीं मारा है, मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैं मर जाऊंगा, मेरी बात सुनो राधा। राधा मेरी बात सुनो, रस्सी मत काटो। राधा राधा समझने की कोशिश करो। अरे मैं बिल्ला नहीं हूँ। शट अप। राधा मेरी बात सुनो, मैं बिल्ला नहीं हूँ। राधा राधा अच्छा अभी बताता हूँ। राधा तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा। राधा ये बिल्कुल सच कह रहा है। ओह गॉड, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हें बिल्ला समझकर। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राधा, ये राज मेरे और राजा के सिवा कोई भी नहीं जानता। अब तुम भी जान गई हो, तुम्हारे भाई के कातिल गिरोह का दुश्मन खाली तुम ही नहीं, राजा भी उतना ही है। राजा मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर देना। नहीं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जब इस राज को पुलिस भी नहीं जानती तो तुम कैसे जानोगी। अच्छा सर, ये डायरी आपको कैसे मिली और कौन देकर गया, इस बारे में कुछ नहीं बताया? नो, छोड़ो अब ये डायरी भी, तुम्हारी तरह हमारे बीच का एक रहस्य है। जब तक मैं उन सबको पकड़ नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा हुआ ये डायरी हमें मिल गई, अब कोई रिस्क नहीं उठाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इसे मैं अंदर रख के आता हूँ। थैंक यू, मैं अभी आता हूँ। राजा आई एम सो सॉरी। दुखी मत हो राधा, पहले मैं नाटक कर रहा था और तुम्हारे करीब आ गया था, लेकिन अब सच्चाई का पता लगने पर तुम मुझसे दूर हो गई हो। कितना अजीब संयोग है ये, किस्मत का खेल। नहीं, अब तो तुम करीब आ गए हो, वो भी यहां। अगर अब डीएसपी ने हमें देख लिया तो डायरी के साथ हमें भी बंद कर देंगे। अच्छा
इस गिरोह में मेरे शामिल होने का एक कारण है, लेकिन तुम्हारे पास क्या कारण है? कारण एक नहीं बल्कि दो हैं। तुमने कारण पूछे थे ना, यही है वो कारण। रामा, राजू। हेलो। इनका नाम राधा है, ये है तुम्हारी। हमें पता है, आंटी है। सिर्फ तुम्हारी, मेरी नहीं। मेरी तो अच्छा, हाँ मेरी वो है ना। जाओ तुम लोग खेलो। बाय बाय अंकल, बाय बाय आंटी। दरवाजा मत बंद करो, इसे खुला रखो। चोर की हैसियत से बाहर जा रहा हूं मैं, बहुत जल्दी ही खूनी बनकर वापस आऊंगा। बाय। अलेक्जेंडर। हेलो डीएसपी सर। हाँ मैं राजा बोल रहा हूँ। दुनिया के सारे बड़े बदमाश होटल कॉन्टिनेंटल में आज रात को कोई मीटिंग करने वाले हैं। गुड, मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। अच्छा, प्रोग्राम 8:30 से 9:30 के बीच में, समय पर आइएगा। पुलिस ठीक 9 बजे पहुंच जाएगी। कैसा रहा हमारा काम? बढ़िया था ना? वाह राजा, मजा आ गया। भाई दिवे राजा, इस पार्टी में राधा को मत लाना। अपना कोई आदमी बाहर होना चाहिए, मुझे अपने पर पूरा विश्वास है। फिर भी तकदीर से कोई भी नहीं जीत सकता है। डोंट वरी सर, जीत हमारी होगी। गुड लक सर। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम असली नहीं, नकली हो। तुम बिल्ला नहीं, पुलिस का आदमी हो। छोड़ मुझे, छोड़, 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 प्लीज। हेलो डीएसपी, रिवॉल्वर यहाँ है। कौन हो तुम? जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? पहचाना मुझे? अब याद आया कुछ? मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जे जे, इसे पहचानते हो तुम? मेरे पैरों पर तुमने एक दिन गोली चलाई थी, ये वही गोली है। यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होते समय ही सिर पर कफन बांध लिया था, लेकिन अभी मुझे जाने दो, एक जरूरी काम है। तुम्हें अपना बदला पूरा करने का दूसरा मौका जरूर दूंगा। इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मुझे रिवॉल्वर दे दो। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं डीएसपी? तुमने मेरी पत्नी की जिंदगी को टाइम नहीं दिया, मैं तुम्हें कैसे टाइम दे दूं डीएसपी? मैंने अपनी पत्नी जानकी की जान बचाने के लिए तुमसे गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, टाइम मांगा, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, मुझे टाइम नहीं दिया। आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मेरे बच्चे रवि और रमा इस वक्त पता नहीं कहां होंगे, इसका कारण सिर्फ तुम हो। रवि और रमा दोनों क्या तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, तुम मेरे बच्चों को जानते हो? सिर्फ यही नहीं जानता, वो कहां पर है मैं ये भी जानता हूँ। कहां है मेरे बच्चे? पहले रिवॉल्वर दो, काम खत्म करके आऊंगा, उसके बाद बताता हूँ। आकर क्या बताओगे, तुम अभी बताओ। अगर जानने के बाद तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो? रिवॉल्वर देते ही तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें अपने बच्चों से मिलना है तो मेरा विश्वास करना होगा।
क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। अगर मुझे मार दोगे तो भगवान ही उनके बारे में बता सकता है। क्या भगवान बताएगा? बताएगा तो मुझे मार दो। मिस्टर डीएसपी, अब भी भगवान तुम्हारी तरफ है। बदले की भावना से ज्यादा बड़ी ममता है। तुम्हारे ऊपर जो गुस्सा है उससे ज्यादा मुझे अपने बच्चों से प्यार है। कम ऑन, टेक इट। तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिस्टर डीएसपी, अभी तक मेरे अंदर एक इंसान जीवित है, याद रखना। रंजीत, तुम इस पर बराबर नजर रखना, यहां से वो जाने ना पाए। What do you mean? कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करेगा। Follow me. मिस्टर वर्मा, आप उस तरफ जाके सारे कमरों की तलाशी लीजिए। यस सर। जाइए। हैंड्स अप। हाँ, सीधे चलो। गोली की आवाज? तुम बिल्ला नहीं हो, ये हमें विश्वास करने के लिए कह रहे हो? मैं कोई बिल्ला विल्ला नहीं हूँ सर। आप कहें तो मैं कोई भी सौगंध खाने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम राजा है। डीएसपी सर जानते हैं, मैं उनका आदमी हूँ और उन्होंने ही मुझे बिल्ला बनाकर इस ग्रोह में भेजा था। आप चाहे तो इन लोगों से पूछ सकते हैं। हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुम बहुत चालाक हो। डालो लॉकअप में। अरे छोड़ो मुझे, क्या मुसीबत है? एक तो मदद करो और ऊपर से फंस भी जाओ। आप डीएसपी साहब से पूछिए, वो बताएंगे आपको। वो बोलने की हालत में नहीं है बिल्ला। तुम्हारे आदमी की गोली लगकर वो गंभीर हालत में अस्पताल में है। वो घायल हो गए सर? वो होश में आए तो पूछ लीजिए, बता देंगे। डॉक्टरों का कहना है कि उनका होश में आना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं होता। आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं वहाँ पर जाऊँगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। नो, अब कोई फायदा नहीं है बिल्ला। सर कितनी बार कहूँ कि मैं बिल्ला नहीं हूँ, राजा हूँ, मुझे डीएसपी के पास ले चलिए। मिस्टर वर्मा, अगर इसे हम डीएसपी के पास ले जाएं तो क्या सच्चाई का पता चल जाएगा? उत्तेजित मत हो, ऐसे मामलों में संयम से काम लेना अकलमंदी होती है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शट अप। ओके सर, हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। ओके सर, आपका शुक्रिया सर। ये बिल्कुल सच कह रहा है, ये बिल्ला नहीं है, ये बिल्ला नहीं है। डीएसपी सर, देखिए आपका राजा आया है। आपका राजा सर, भगवान के लिए आंखें खोलिए सर। सर आंखें खोलिए सर, मेरी बात ये नहीं मान रहे सर। कहते हैं कि मैं ही बिल्ला हूँ, अब आप ही उन्हें बताइए ना कि मैं बिल्ला कैसे हो सकता हूँ। सर सर इन्हें बताइए सर कि मैंने ये सब क्यों किया है। मैंने अपना नाम बदला, काम बदला, ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं किया। सर आपने मेरे बच्चों का भविष्य बनाने का वादा किया, कॉन्वेंट में भर्ती करवाया, इस एहसान के बदले किया। आप इन्हें बताइए सर, इन्हें बताइए सर, इन्हें बताइए कि मैं राजा कव्वाल हूँ, खूनी बिल्ला से मेरा कोई संबंध नहीं है। सर सर मैं फिर से प्लेटफॉर्म पर चला जाऊंगा सर। सर सर मेरे पास एक डायरी थी जो डीएसपी साहब को दी थी, जो उन्होंने जरूर कहीं संभाल कर रखी होगी। उसे ढूंढिए सर, उस डायरी से आपको मेरी हकीकत का पता चल जाएगा। सर सर आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग मेरे साथ चलिए, वहां पर जाकर हम उस डायरी को ढूंढेंगे और तब आपको पता चलेगा। सर इन्हें समझाइए ना प्लीज। मिस्टर वर्मा, ये भी करके देख लेते हैं। सर क्या आपको अभी तक इस पर भरोसा है? वो बात नहीं है, लेकिन ये कह रहा है तो देखते हैं, थोड़ी देर विश्वास करने में क्या हर्ज है? अगर वो डायरी मिल जाएगी तो ये बेकसूर साबित हो जाएगा। सर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यही बिल्ला है, ये एक स्मगलर है और इस वक्त हमें पुलिस स्टेशन जाना ठीक होगा। सर आप एक बार मेरी बात सुन। शट अप। मिस्टर वर्मा, मैं एक इंटरपोल अधिकारी हूँ, इस वजह से मुझे तस्करों के बारे में सबूत चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो डायरी से हो या डॉक्यूमेंट से हो, इसे हासिल करना होगा। इसलिए हमें डीएसपी के घर की तुरंत तलाशी लेनी होगी। यस मिस्टर गोकुलनाथ, अब आप इसके साथ जाइए, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर आप इनके साथ जाइए। सुनो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। सर डीएसपी साहब मर सकते हैं लेकिन डायरी नहीं। सारा सामान बिखरा हुआ है। Thank you.
देखिए सर, डीएसपी साहब ने यही डायरी रखी थी, मैंने देखा था सर, मेरी बात मानिए सर, मैं सच कहता हूँ, मैं बिल्ला नहीं हूँ सर। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, कम ऑन लेट्स गो। सर 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 अभी तक आपने मेरी बहुत मदद की है, थोड़ी और कीजिए सर। सर जब मैं राजा था तब मैंने अपने हाथों से एक कंप्लेंट की थी, उस स्टेशन पर वो जरूर होगी सर। सर आप उस पुलिस स्टेशन तक मेरे साथ चलिए सर, सर आपको पता चल जाएगा, एक मौका दीजिए सर प्लीज। मुझे अंदर मत डालिए सर, अंदर मत डालिए सर, मैं बिल्ला नहीं हूँ सर, सर मुझे अंदर मत डालिए। हेलो मिस्टर राजा। स्टॉप। इसे मारा तो प्रूफ हो जाएगा ये बिल्ला नहीं है। भैया सांप की तरह डसकर मछली की तरह खिसकना चाहते हो, यहां से तुम्हारे दोनों तरफ मौत है, उधर पुलिस के आदमी तुम्हें बिल्ला समझकर खत्म कर देंगे, और अगर तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं। मिस्टर वर्मा, इस गिरोह के लोग बहुत ही खतरनाक हैं, इसलिए फौरन लॉकअप से उन्हें जेल में ट्रांसफर कर दीजिए। क्या रे हे, ऐसे घूर के क्या देख रहा है, आंखें निकालकर हाथ में दे दूंगा। ए मोटे, दूसरों पर क्या गिर रहा है रे, हैं दूंगा कान के नीचे तो ठीक हो जाएगा। जग्गू चुप रहो, जग्गू वो तुमसे लड़ाई लड़के वो यहां से भागना चाहता है, चुप बैठो। लड़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए, वो इस भैंसे में कहां है, ऐसे क्या देख रहा है, तू क्या कर लेगा मेरा है? नाम क्या है तेरा, जग्गू? अरे छक्कू रख लेता तो अच्छा था। राजा पार्टी में क्या हुआ, सबको अरेस्ट कर लिया ना? हाँ, उन सबके साथ साथ मुझे भी अरेस्ट कर लिया था। क्यों? सब बाद में बताऊंगा, पहले पानी दो। राधा, सबूत दिखाकर नहीं बच पाया, लड़कर बच पाया हूँ। मैं निर्दोष हूँ साबित करने वाली डायरी कोई उड़ा कर ले गया है। वो उसे पुलिस को तो नहीं देने वाले, रंजीत और उसके गिरोह से पैसा लुटेगा तब मुझे पता चल जाएगा। डोंट वरी राजा, डायरी हमें मिल ही जाएगी। करेक्ट, जिसके पास डायरी है वो जरूर रंजीत से मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो बुधवार की शाम को करेक्ट 7 बजे मुझसे मिलना। बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए मैं डीएसपी के घर गया, वहां गया तो मुझे वहां पर यह डायरी मिली।
इतना ही नहीं, डीएसपी के आईजी के नाम एक चिट्ठी भी है। पता है उसमें क्या लिखा है? बिल्ला मर गया है, उसकी जगह पर राजा को बिल्ला बनाकर भेजा गया है। इस डायरी से तुम्हें क्या फायदा? इस डायरी से मुझे क्या फायदा है? इस डायरी में एक बहुत बड़े गिरोह की जन्म कुंडली है। इस डायरी की वजह से मैं रंजीत से जितना पैसा चाहूं उतना ले सकता हूं, और पैसा देना उसकी मजबूरी होगी। यस। कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलो। खुले दरवाजे को मैं दोबारा कैसे खोलूं? यहाँ कोई बंदा तो नहीं आया? हाँ आया है, तुम ही दोनों तो आए हो। शट अप, मजाक मत करो। ठीक ठीक बताओ, यहाँ राजा नाम का कोई आदमी आया है? अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं आया, आएगा तो जरूर बता दूंगा। लगता है यहाँ नहीं आया। ओके चलो यहाँ से। क्लोज द डोर। मिस्टर, आप जो भी हैं, मेहमान चले गए हैं, आप बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। इस तरफ जाओगे तो तुम्हारा ससुराल है, इस तरफ जाओ तो तुम्हारा घर है। तुम बताओ किधर जाओगे? इस तरफ जाऊंगा। बहुत अच्छे। मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? मेरी टांग तोड़ने वाली पुलिस तुम्हारी टांग ना तोड़े इसलिए। आप पिस्ता। बनारसी बीड़ा ले लो रे, बनारसी बीड़ा। बीड़ा बीड़ा रंबू रंब, तुम कितने सुंदर हो। क्या बात है, बड़ा गाना वाना हो रहा है। जाजा जल्दी भाग यहाँ से। तेरी सूरज नहीं मिलती किसी की सूरज। चल भाग यहाँ से। क्या बात है, कोई गा रहा है, कोई खेल रहा है? ए चम्मक चलो, क्या कर रही हो तुम इधर? तू क्या रगड़ रहा है? अरे तुमको रगड़ने की सोच रहा हूँ। तू क्या रगड़ रहा है? चला क्या से? एक मारूं तो अंदर घुस जाएगा। चला क्या से? बेवड़ा दिन भर बैठकर पीता रहता है। हट, तुम तो सबके सब बेवड़े हो। चल हट यहाँ से। हट। कौन सी टी मारा रे? अच्छा तू, एक वो दिन भर बैठकर पीता रहता है और एक तू है पी के मेरे को छेड़ता है। बुढ़ा कहीं का, अपनी उम्र तो देख, शर्म नहीं आती तेरे को? अरे अभी तो जवानी है, जवानी में नहीं चढ़ेंगे तो क्या बुढ़ापे में? अपनी उम्र का तो लिहाज कर बुढ़े, कब्र में पैर लटके हुए फिर भी उम्र में ऐसी हरकत नहीं करता। अरे मस्ती में आजा, अरे छमिया मस्ती में आजा, अरे इस भांग को पीता ही तू स्वर्ग में चली जाएगी। अरे बहुत मजा आएगा, पी ले 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 पी ले। अरे ये क्या राजा, कितनी देर कर दी तुमने? क्या करूं, टाइम ठीक नहीं चल रहा है। जहां भी जाता हूं पुलिस पीछे आ जाती है, दिमाग खराब करके रख दिया। छे Thank you.
अरे अरे ये कौन है? ए, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, बहुत दिनों से ऐसे सुर नहीं सुने, सुनकर मजा आ गया। अरे तुम तो गोविंदा लगते हो, इधर कैसे आए? ए बाबूजी के लिए कुर्सी लेकर आ। अरे जल्दी ला बाबूजी, इस पे बैठिए। अरे अपने गांव में बाबूजी आए हैं, जरा सेवा करो। ये लीजिए डालता हूँ। हम लोग अब बस भी करो, चलो। हाँ चल तो रहा हूँ। ठीक का साहब। हाँ भाई साहब, साहब बना हूँ जब से पुलिस पीछे पड़ गई है। अरे गवर्नर साहब क्यों आपके पीछे पड़े हैं? गवर्नर गवर्नर की बात बिल्कुल मत करना, गवर्नर और पुलिस मेरे पीछे पड़े हैं। ठीक का साहब। पकड़ने के लिए? मुझे पकड़ने? डीएसपी साहब, जब मैं गरीब हुआ करता था तो भूख से भागता था, मुझे अमीर बनाकर आपने जान से भागने को मजबूर कर दिया। कम ऑन, कम। चलो। गुड नाइट। मेरे खुश रहो, खुश रहो। अरे मेरा राजा। पट्टू, मारे तू कितना बदल गया है रे, मैं तो पहचान ही नहीं। धोती से सूट क्या जच रहा है, क्या बात है, ये कैसे हुआ है बताना रे। अरे मेरी पट्टू, मेरी किस्मत, मेरी जाने मन, मेरी जान। ये कौन सी बिजली है रे तेरे साथ में, क्या नाम है इसका? ये तो मेरी दोस्त है। शादी हो गई क्या रे तेरी? नहीं हुई तो हो जाएगी। हो जाएगी रे, पहले मेरे हाथ से तू एक बीड़ा तो खा के देख। बीड़ा? पान। ला 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 ला। ये ले, खा ले रे। वाह। बारे राजा, क्या बकरे की तरह चट कर रहा है। राजा तेरे आने की खुशी में सह नहीं पा रही हूँ रे, कोई गाना वाना तो सुना दे रे। हाँ पट्टू, अब तू देखती जो क्या गाना गाता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है मेरा राजा, तुम्हें बहुत पसंद है ना। गोकुलनाथ हियर। गोकुलनाथ जी, जिसे आप बिल्ला समझते हैं, राजा बोल रहा हूँ। तुम राजा हो या बिल्ला हो, तुम जो भी हो, फौरन पुलिस में सरेंडर हो जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। मैंने कब मना किया है, बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूंगा। तुम्हें जो टाइम दिया था वो कम था, तुम्हें और चाहिए? वो सब छोड़िए सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे क्यों? हाँ सर, सर भगवान के बाद एक आप ही हैं जो मुझ पर दया दिखा रहे हैं। सर सर किसी भी तरह कल सुबह आप मुझे पुरानी पहाड़ी के पास मिलिए सर, सुबह 11 बजे आ जाइए सर। हाँ सर, सर ठीक है सर, मैं पहुँच जाऊँगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ मैं यहाँ आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ सर, हर जगह पुलिस पीछे पड़ जाती है, इसलिए लेट हो गया था सर। ये बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? पुलिस वाले मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, बिल्ला समझकर मुझे पकड़ लेंगे और मुझे सजा दिलवा देंगे सर। सर पुलिस वालों को समझाइए सर, वो बेकार में मुझ बेगुनाह के पीछे पड़े हैं सर, मैं बिल्ला नहीं हूँ सर। साबित करने की जरूरत नहीं, तुम बिल्ला नहीं, सड़क पर गाने वाले राजा हो, ये मैं जानता हूँ। आप जानते हैं कि मैं राजा हूँ सर? जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं बिल्ला को भी जानता हूँ। ये अच्छा मजाक है सर,
सब कुछ जानते हुए भी आपने पुलिस के हाथों परेशान करने के लिए मुझे छोड़ दिया है। ऐसा क्यों सर, पुलिस को बताते क्यों नहीं कि मैं बिल्ला नहीं हूँ? बिल्कुल सही, उसका भी एक कारण है। मेरी जान से बढ़कर क्या कारण होगा? पुलिस बाद में आएगी, लेकिन अभी तो यहाँ पर गुंडे आ गए हैं। सर हम लोग बुरी तरह फंस गए हैं। गलत सोच रहे हो तुम, फंसे तुम हो। क्या कहा, सिर्फ मैं फंसा हूँ? और आप? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तुम बिल्ला नहीं हो, उसी तरह मैं भी इंटरपोल ऑफिसर गोकुलनाथ नहीं हूँ, इंटरनेशनल स्मगलर जगदीश। ये सब मेरे आदमी हैं, ये सारे मेरे आदमी हैं। कम ऑन बॉयज। अरे अरे बाप रे, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे कहीं उल्टा सीधा लग गया तो? अरे बाप रे पटू। राजा पहले मेरा बीड़ा खा। राजा बीड़ा खाकर तेरा मुंह लाल होना चाहिए और मार खाकर इनका बदन। क्या है रे? क्या है, पान तो खा लेने दो। क्या है, लड़ना चाहते हो? चलो ठीक है, लड़ लेते। जो मुझसे लड़ेगा भरपूर मार खाएगा, मार खा खा के भूतना बन जाएगा। अभी तक तुम लोगों का पाला मुझसे नहीं पड़ा, आज समझ में आ जाएगा। आजा आजा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, चल हाथ मारना चल। अरे वाह रे वाह, क्या लंबाई है तेरी, 1 फुट 2 फुट 3 फुट। आज मेरे हाथ से निकल गया है वो, देख लूंगा उसे। उसे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया। डरते हो कि कहीं वो पुलिस को ना बता दे? लेकिन जब तक उसे बिल्ला समझते हैं उसकी बात कोई नहीं मानेगा। वो तो ठीक है, अगर असली गोकुलनाथ आ गया तो फिर हम क्या करेंगे सर, हमको बताओ तो। वही तो मेरा दिमाग है, तभी तो पुलिस महकमे में घुस कर काम कर रहा हूँ। बस देखते जाओ, मेरा मास्टर प्लान्स, डोंट वरी। तुम लोग पुलिस अधिकारी के साथ आग में चोली मत खेलो, और मुझे यहाँ बंद करके तुम लोग बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है मिस्टर गोकुलनाथ, अगर भगवान भी मेरे सामने आ जाए तो उसे कैद करके मैं खुद भगवान बन जाऊं। एनीवे आप यहाँ हैं, लेकिन बाहर आपके सारे काम ठीक से हो रहे हैं। ये इंटरनेशनल स्मगलर जगदीश हर काम में एक्सपर्ट है। सॉरी मोटे, मैंने तुम्हारे मस्ती के समय में खलल डाला, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। 10 मिनट पहले मालिश करूंगा, फिर तुम अपने आप मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे। हैं?
मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। जब पुलिस के साथ डीएसपी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था, उस समय तुम रूम के अंदर ही थे ना? तुमने डीएसपी को गोली मारी थी, उस समय तुम रूम में ही थे ना? उस देवता को मारने के लिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको, मैं बताता हूँ। डीएसपी को मैंने नहीं, जगदीश ने मारा था। जगदीश? उसने ये खून कैसे किया? हमें बिल्कुल नहीं पता था कि डीएसपी हमें गिरफ्तार करने आ रहा है। अचानक जगदीश अंदर आया और उसे गोली मार दिया। इडियट, क्या कर रहे हो? तुम लोग शराब पी रहे हो और नीचे पुलिस की रेड पड़ गई है। भागो यहाँ से। यहाँ से अब कोई बच के नहीं जा सकता है। डीएसपी अलेक्जेंडर। हाँ बिल्कुल ठीक, इंटरपोल ऑफिसर बनकर पुलिस डिपार्टमेंट को काफी बेवकूफ बना लिया। जगदीश, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। सुनो, तुम्हें ये सारी बातें पुलिस के सामने बतानी होगी। जगदीश के बारे में तुम्हें सब कुछ खोलकर पुलिस को बताना होगा, समझ गए? डीएसपी को मैंने मारा, ये बात तुमने उसे बता दी? हाँ, अगर नहीं बताता तो मुझे मार डालता, और अगर मैं मर जाता तो ये बात बताने के लिए मैं यहाँ हाजिर नहीं हो पाता। तो तुम्हें अपनी जान से इतना प्यार है? खैर, जो होना था हो गया। अब राजा हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ओह मिस्टर रंजीत, कुछ दिन पहले 2 बच्चों के साथ राजा डीएसपी के पास उनसे मिलने आया था। उन बच्चों को डीएसपी ने किसी कॉन्वेंट में भर्ती कराया था। मुझे हर हाल में वो बच्चे चाहिए। अंकल, मेरे राजा अंकल ने भेजा है आपको यहाँ। हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा है तुम्हें लाने के लिए। सर, बाहर जेजे आया है। जेजे? हाँ, वो कहता है कि वो डायरी उसके पास है। डायरी उसी के पास है। किसी के पास भी हो, उसे फौरन बुलाओ। हाय जेजे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो तुम। बताओ कैसे हो तुम? जानकर भी पूछ रहे हो? पैर ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं। तुम्हारे साथ मिलने के बाद मेरा परिवार बर्बाद हो गया। वेरी सॉरी जेजे। सॉरी बहुत आसान शब्द है, लेट्स ऑल राइट। एक डील है मेरे पास, डील करना चाहोगे तुम? तुम्हारा ही फायदा है। काम की बात करो, वो डायरी तुम्हारे पास है? बिना माल के या बिना मतलब के आपसे मिलने के लिए क्यों आया हूं? बेवकूफ नहीं हूं मैं, मिस्टर जगदीश। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम सबकी कुंडली मेरे हाथ में है, तो क्या तुम्हारा नाम पता भी नहीं जानूंगा मैं? सब कुछ इस डायरी में है। काम की बात करो, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 लाख। 10 लाख? क्यों, कम है क्या? अबे लंगड़े रास्कल, हमें ब्लैकमेल करेगा तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारी जान इसकी जेब में है, ये मरेगा तो हम सबको भी बारी बारी मरना पड़ेगा। जो दाम मांगता है, 2 और डायरी वापस। कुमार, गेट बैक। राधा ठीक कह रही है। ओके, डायरी देकर 10 लाख ले जाओ। 10 लाख रुपए मैं कब, कहां और कैसे लूंगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा, और मैं ये डायरी किसके हाथ में दूंगा ये भी मैं तय करूंगा। अच्छा, डायरी किसे दोगे? 10 लाख रुपए देकर इस लड़की को मेरी बताई जगह पे भेजना, तभी डायरी मिलेगी, और इसे अकेली भेजना। ये लड़की है क्यों? क्योंकि ये लड़की इस गिरोह में सबसे अक्लमंद है। ठीक है, समय और जगह बताओ। जगह मैं बाद में बताऊंगा, 10 लाख रुपए इस लड़की को देते ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। जगदीश सर, इंस्पेक्टर वर्मा आए हैं। वर्मा? अच्छा, तुम सब अंदर जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। और सुनो, तुम भी ऊपर जाओ, बाद में बात करेंगे, जाओ। हेलो मिस्टर वर्मा, आइए, कहिए क्या हाल। डैडी। रवि। डैडी। रमा। डैडी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे कभी मिलूंगा।
बच्चों, इतने दिन कहाँ थे तुम लोग? कैसे रह रहे थे तुम लोग? यहाँ तुम लोगों को लेकर कौन आया बच्चे? अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ओके। अच्छा जो हुआ सो हुआ। एक जरूरी बात, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो, ठीक है? आज रात को आकर मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा डैडी। डैडी को किस नहीं करोगे? गुड गुड, तुम दोनों वहां जाकर बैठ जाओ। जाओ जाओ। जे जे, लाइन क्लियर है, तुम निकलो। राधा, जगदीश ने बच्चों को कहीं छुपा दिया है। मुझे पता है कहाँ छिपा रखा है। जल्दी बताओ, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। थ्री थ्री। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। जे जे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जे जे, खोलो दरवाजा, खोलो। क्या हुआ? जे जे अंदर है। जे जे, दरवाजा खोलो। जे जे, जे जे, जे जे दरवाजा खोलो। जे जे, राजा अंकल, क्या कह रहे हैं? हाँ पापा, जब आप यहाँ नहीं थे तो इन्होंने हमारा ख्याल रखा है और इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। यही हमारे डैडी हैं। क्या डैडी? हाँ मैं ही हूँ मिस्टर राजा। मेरे अनाथ बच्चों को सहारा दिया आपने, आपने बहुत बड़ा एहसान किया। मैं आपका ये एहसान किस तरह से चुकाऊंगा मिस्टर राजा? अगर भगवान भी जमीन पर आ जाए तो मुझे नहीं बचा सकते। ऐसा मत कहिए। अच्छा, उस दिन पुलिस आपका पीछा कर रही थी, ऐसी कौन सी बात थी मिस्टर राजा? तकदीर का खेल है, तकदीर का रूप बदला, किस्मत बदली और उसके बाद मैं सर, मैं सर, पुलिस आ रही है, मैं बाद में बताता हूँ। चाहिए ओ मिस्टर, तुमने यहाँ पे किसी को देखा? तीन लोगों को देखा। किसको? तुम, ये और मैं। मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे साथ क्यों मजाक करूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। राधा, इस सूटकेस में 10 लाख रुपए हैं, संभल के। राधा, और हाँ, डायरी हाथ में आने के बाद ही ये सूटकेस जेजे के हाथ में देना, संभल के। जेजे कहाँ मिलेगा? आरोग्य माता के कब्रिस्तान के पास तुम्हें भेजने के लिए मुझे फोन किया था उसने। जाओ। ओके। जस्ट अ मिनट सर, राधा को अकेले भेजने से कहीं। What do you mean? मुझे राधा पर पूरा विश्वास है, तुम जाओ। ओके। रंजीत, अब तुम राधा को पूरी तरह से फॉलो करोगे। डायरी हाथ में आते ही राधा जे जे दोनों को ऐसे लेकर आई हो तुम? इसमें है। गुड,
तुम्हारे बगल में जो समाधि है वहां पे जाकर सूटकेस रखो। अब सीधी चली आओ, इस पत्थर को हटाओगी तो इसके नीचे तुम्हें डायरी मिलेगी। यहाँ पे पहले मैं आया था, लेकिन यहाँ से जाओगी पहले तुम, ओके? पहले तुम मुझे डायरी दो, फिर बाद में सोचूंगा तुम्हारे बारे में। तुम्हारे चक्कर में तो राजा भी फंस चुका है। कमान और विदेश। अबे बेवकूफ, हमारी तरफ एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। गिर गए ना? ए, पकड़ो, पकड़ो, ए, पकड़ो से, पकड़ो से। निकलो और देखो मेरे साथ कौन है। रवि, रमा, अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन बाहर आ जाओ। जगदीश, वेरी गुड जेजे। राजा, जिनकी खुशियों के लिए तुम बिल्ला बनकर तुमने मुसीबत उठाई, वो बच्चे मेरे पास हैं। जिनके लिए खतरों से खेले उनके लिए यहाँ आ जाओ। अगर नहीं आए तो जेजे के बच्चे बेकार में मारे जाएंगे। कम ऑन, कम ऑन राजा, कम ऑन, कम ऑन राजा। अगर नहीं आए तो दोनों बच्चों को मैं तुरंत गोली मार दूंगा। जगदीश, स्टॉप। That's like a good boy. राधा, मैं जानता हूं तुम इन बच्चों के लिए बाहर नहीं आओगी, लेकिन तुम्हारा आशिक मेरे पिस्तौल के निशाने पर है। तुम उसके साथ जीना चाहती हो या उसकी मौत देखना चाहती हो? बाहर आओ। यू? देखा ममता और प्यार कितना पावरफुल है। ऑलराइट, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वो डायरी मुझे दे दो। राधा डियर, तुम बताओ डायरी किसके पास है? मेरे पास नहीं है। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मुझे तुम्हारी कंप्लीट तलाशी लेनी होगी। राजा, डायरी तुम्हारे पास है? इतनी लड़ाई के बाद अगर डायरी मेरे पास होती तो दे नहीं देता। तब तो जेजे डायरी तुम्हारे पास होगी। इडियट, अगर डायरी मेरे पास होती तो क्या वो डायरी मैं तुम्हें नहीं दे देता? दोनों बच्चों को जिंदा दफन कर दो। जगदीश, रंजीत, वो है
ये रुको रुको, तुम्हें डायरी चाहिए ना, मैं देता हूँ, ये लो। गुड। लो, इसमें डीएसपी का लेटर भी है। वेरी गुड। लेकिन मुझे इतना परेशान करके ये डायरी देने के लिए मेरी अदालत तुम लोगों को मौत की सजा सुनाती है। मिस्टर गोकुलनाथ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस इंटरपोल ऑफिसर की ड्यूटी आज से खत्म हुई। ये इंस्पेक्टर ऑफिसर नहीं है, नौटंकी पास डुप्लीकेट है, गोकुलनाथ नहीं है। सब लोग मिलकर पुलिस को गुमराह करो। मैं गोकुलनाथ नहीं, ये बिल्ला नहीं। थोड़ी देर में कहेंगे ये आप इंस्पेक्टर वर्मा ही नहीं है। अरेस्ट देम। तुम किस बिना पे कह रही हो कि पुलिस अधिकारी नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, उस डायरी को जला दिया इस कमीने ने। कमीना कहो, धोखेबाज कहो, लेकिन मैं गोकुलनाथ नहीं, ये साबित करने के लिए सबूत चाहिए, समझी? सबूत मैं देता हूँ। बेवकूफ, जो तुमने जलाई थी वो ओरिजिनल डायरी नहीं थी, नकली डायरी थी। आपकी पोल खोलने वाली ओरिजिनल डायरी मेरे पास है, बिल्कुल सही सलामत। सर, डीएसपी साहब का लेटर भी है, ये लीजिए। थैंक यू। जगदीश, तुम्हारा खेल खत्म। जगदीश, चल बाहर आ। इंसानों को दफन करने की जगह पर तेरे जैसे हैवान का क्या काम? यहाँ कई लोग चैन से सो रहे हैं, तू उनका चैन बर्बाद कर देगा। जगदीश। ओके सर, इस कचरे को ले जाइए। कम आउट।